सोनम कपूर इन दिनों मदरहुड एंजॉय कर रही हैं। वायु कपूर आहूजा अब परिवार की आंखों का तारा हैं और सोनम वायु के अलावा कुछ नहीं सोचती हैं। वहीं उनके फैंस उनके बॉलीवुड में वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या यह जल्द ही होगा? सही है, अभिनेत्री के एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया, सोनम काम के बारे में बहुत सोच रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से अभी नहीं। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उनके प्रशंसक उन्हें बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, जिसकी उसे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। सोनम जीवन के इस नए सफर का इंतजार कर रही हैं और हर चीज को यथासंभव खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं फिल्मों की बात करें तो वो अपनी बहन रिया की फिल्म कमाने के लिए काम करेंगी। कपूर रिया के पास सोनम के लिए बहुत मजबूत स्क्रिप्ट है और उसने उससे बात भी की, लेकिन कम से कम 6 महीने तक इसके काम पर नहीं लौटेगी और उसके बाद वो अपनी काया और बहुत कुछ पर काम करना शुरू कर देगी। मातृत्व आपके लिए बहुत सारे बदलाव लाता है, खासकर आपके बाहरी शरीर में, जबकि सोनम अपनी उपस्थिति पर कोई दबाव नहीं डालती है। वो परम दिवा के रूप में जानी जाती है और कभी भी अपनी उपस्थिति की परवाह नहीं करती है। लेकिन एक ऑल अभिनेता के रूप में सोनम कैमरे के सामने होने से बिल्कुल चूक जाती हैं और अब वायु के बाद यह उनका दूसरा प्यार है और इसलिए उन्होंने 1 साल के भीतर वापसी करने की योजना बनाई है। सोनम को आखिरी बार जोया फैक्टर में दुलारे सलमान के साथ देखा गया था और उनके प्रशंसक उनके जल्द वापस आने का इंतजार नहीं कर सकते। जबकि करण जौहर के शो कॉफी विद करण 7 में उनका प्रदर्शन सबसे प्रफुल्लित करने वाला था और इसके लिए उन्होंने इसके लिए पुरस्कार जीता। शो का सबसे अच्छा सदस्य।